हम हैं अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, पृथ्वी के समुद्र तल से 408 किलोमीटर दूर। समुद्र तल से दुनिया के सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंची है। पैसेंजर हवाई जहाज 10,000 से 11,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उठते हैं। ओजोन का लेयर 17,000 मीटर से शुरू होता है और 50,000 मीटर की दूरी तक खत्म हो जाता है। और 1,00,000 मीटर पे, यानी कि पृथ्वी से 100 किलोमीटर दूर, यानी कि धरती का 95% वातावरण खत्म हो जाता है। और आप ये दृश्य जो देख रहे हो, वह पृथ्वी से 408,000 मीटर यानी कि 408 किलोमीटर दूर का है, जिस ऑर्बिट में सफर करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। चलिए जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, यानी कि अंतरिक्ष से, हमारा भारत कैसा दिखता है। ये है श्रीलंका, भारत का दक्षिण भाग, और यहाँ आसपास हिंद महासागर से घिरा है। ये उत्तर पूर्व भारत है, जहाँ से आपको हिमालय पर्वतमाला दिख जाएगी, और आसपास उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड भी दिखाई देंगे। ये पश्चिम बंगाल, बंगाल और बांग्लादेश का कुछ भाग है। ये है भारत का वेस्टर्न पार्ट, जहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं, और ये है हिमालय की पूरी पर्वतमाला। और ये है मुंबई शहर। ये स्पेस से ले गई कुछ भारत की रात की तस्वीर है। ये पार्ट साउथ इंडिया का है, और ये तीन धब्बे देख रहे हो, वो तीन शहर है, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। ये अहमदाबाद सिटी की नाइट की तस्वीर है। ये बादलों में आप जो ब्लिंकिंग लाइट देख रहे हो, वो मेघ गर्जना या बिजली का दृश्य है। ये जो नीचे बड़ी लाइट का प्रकाश दिख रहा है, वो दिल्ली शहर है। इस तस्वीर में आपको लाइट की एक बड़ी रेखा दिखाई देती होगी। राइट साइड अपना भारत है और लेफ्ट साइड पाकिस्तान है, और बीच में जो दिखाई दे रही है वो बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और ऐसे आपको वीडियो मिलते रहें।